सभी हिमाचल के सभी किसान बागवान मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। यूनिवर्सिटी ने जो सीरीज शुरू की है कि एप्पल में कौन कौन से पेस्ट आते हैं, तो उसी का अगला एक पेस्ट है वोली एप्पल एफिड, जिसको साइंटिफिकली हम इरेजोमा बोलते हैं, अदरवाइज इंग्लिश में इसका नाम वोली एप्पल एफिड है। और कुछ लोग पहाड़ में इसको वोलिया भी बोलते हैं, रुईंदार कीड़ा भी बोलते हैं, रुईंदार कीट भी बोलते हैं। और ये कीट रस चूसने वाला कीट है। हम सब कंफ्यूज करते हैं, किसान भी ये सोचते हैं कि यहाँ कुछ लगा है, सफ़ेद रुई सी लगी है, कोई बीमारी होगी, लेकिन ये बीमारी नहीं है। इसकी रुई को आप हटा के देखेंगे तो इसके नीचे आपको कीट दिखेगा, उसको आप थोड़ा सा दबाएंगे तो लाल रंग का खून निकलेगा उसमें से पानी की तरह। तो उसको लोग उससे परेशान भी होते हैं, जब कटिंग करते हैं लोग तो उनके सारे कपड़े भी ख़राब होते हैं, न्यूसेंस पेस्ट भी बोलते हैं इसको। और ये वैसे और काफ़ी सारी फसलों को नुकसान करता है, लेकिन जब हम सेब की कल्टीवेशन पे बात करते हैं तो सेब में बहुत मुख्य रूप से ये कीट आता है और काफ़ी नुकसान भी करता है। काफ़ी बागवान भाई जानते हैं ये इस तरह की रुई रुईदार जो ग्रोथ होगी उस पर ये उसको हटाएंगे आप तो उसके नीचे कीट है, ये आप देखेंगे तो इसके नीचे ये कीट निकलेगा इस तरह से। तो ये कीट नुकसान ये करता है कि जो बड हैं जहाँ से फूल बनना होता है यहाँ या फिर पत्ते निकलने होते हैं उस जगह पे ये स्वेलिंग करता है, बहुत मोटा सा बना देता है, वहाँ पर फूल नहीं आता फिर आगे से, तो ये इससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और ये कीट पूरा साल वर्ष भर आपको मिलेगा, पूरी टहनियों पे भी मिलेगा, कुछ हद तक ये जड़ों में भी रहता है, लेकिन जड़ों में जाने की इसकी जो प्रवृत्ति है वो सर्दियों में होती है, क्योंकि ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं करता सर्दी को ये बाहर, तो इसलिए उसको बचने के लिए ये जड़ों में जाएगा। ये कीट आपने देख लिया है, ये टहनी पे बैठता है और इसको हम एरियल पॉपुलेशन भी बोलते हैं, जो कीट शूट्स पे रहेगा, पत्तों के आसपास रहेगा, बड़ी मोटी टहनी पे रहेगा। और सबसे मेन बात है, जैसे हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं कहीं भी, जो कटिंग एंड होते हैं वो स्वेल करते हैं, उन कटिंग एंड पे इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रस ज़्यादा चलता है तो उसको फीड करने के लिए ये यहाँ पर बैठता है। और ये कीट पहले थोड़े से मात्रा में आएगा, उसके बाद जब बच्चे देगा ये कीट तो उसके बाद पूरी ये टहनी भर जाएगी, कॉलोनीज बोलते हैं इनको। जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये कीट यहाँ से चल के, जो इसके बच्चे होते हैं वो यहाँ से चल के इन टहनियों से होते हुए बिल्कुल नीचे जड़ को चले जाएंगे, नीचे तक जड़ तक यहाँ से क्रॉस होते हुए क्रॉल करते हैं, क्रॉलर कहते हैं उनको, और जड़ तक पहुँच जाते हैं वो, फिर वो जाके वहाँ जड़ों को खाएंगे। जड़ों को जब वो फीड करता है ये कीट तो वहाँ पर गांठे बनाता है जड़ों में। एक बार गांठे बनने के बाद ये गांठे ठीक करना संभव नहीं है, जो एक बार बन गया। और इस कीट को मारने के लिए लोग दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर दवाई लगानी और जड़ तक पहुँचानी काफ़ी मुश्किल है, तो उससे हमारी कोशिश ये होती है कि अगर ये टहनियों पर है तो हम इसको वहीं ख़त्म कर लें। और क्योंकि पूरा साल तो पॉपुलेशन इसकी होती है, जून से शुरुआत होती है इसकी बहुत ज़्यादा, जून से और जुलाई महीने में काफ़ी कीट बढ़ता है जब, तो इसके उड़ने वाले कीट भी आते हैं। हालांकि जो दूसरी पॉपुलेशन है इसकी, जैसे अभी आपको दिख रहा है, इसमें पंख वाले कीट नहीं होंगे इसके, लेकिन जो पंख वाला कीट है इसका वो जुलाई में निकलता है और वो एक पेड़ से उड़ के दूसरे पेड़ में जाएगा, उस दूसरे पेड़ में भी जाके वहाँ बच्चे देगा और वहाँ भी ये कॉलोनी स्टार्ट कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए जैसे डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर है, यूनिवर्सिटी है, वो अनुमोदित करती है दवाइयाँ समय समय पर कि इन दवाइयों का स्प्रे हम करेंगे, तो जैसे उसमें बताया गया है वो आप स्प्रे करें इसके लिए। और एक बुक जो हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से पब्लिश की जाती है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, इसमें सभी प्रकार के फल फ्रूट के ऊपर जो कीट हैं, बीमारियां हैं, और उन फल फ्रूट की फसलों को आप कैसे लगाएंगे, कौन सी खाद आप इस्तेमाल करेंगे, ये सारे इसमें दिया गया होता है। और समय समय पर इसमें जो दवाइयों का इस्तेमाल है वो बदलता है, तो डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर जो हर वर्ष एक शेड्यूल निकालता है स्प्रे के लिए, उसमें वो अलग अलग से चेंज होकर वो दवाइयाँ आती हैं, तो किसान इस किताब से भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आवश्यकता हो तो आप उद्यान विभाग में जितने भी लोग हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होते हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप साइंटिस्ट के पास आके डिपार्टमेंट एंडोमोलॉजी में आके डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी में सलाह ले सकते हैं। हम समय समय पर किसानों के लिए कैंप भी करते हैं और यहाँ आके भी लोगों को सिखाते हैं। जैसे
मैंने कहा कि दवाइयों का इस्तेमाल आजकल सरकार भी काफ़ी बाधित कर रही है कि ये दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को कुछ दूसरे तरीके अपनाने पड़े इस कीट की मैनेजमेंट के लिए, और वो बड़े आसान हैं, कोई उसमें कठिन कार्य कुछ भी नहीं है। सबसे पहला उसमें ये आता है कि जब आप कटिंग प्रूनिंग करते हैं, इस तरह की टहनियों को निकाल दें, जिसमें बड़ जो फूल जाता है इसको कटिंग से निकाल दें, क्योंकि इसमें ना तो फूल आएगा ना इसका फल बनेगा आगे, तो इसको हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जब कटिंग कर लेते हैं तो हमारे को जो कट एंड होता है उस पर पेस्ट जरूर लगाना है। किसी के घर में अगर पेस्ट नहीं है, कोई गरीब किसान है, तो वहाँ पर वो गोबर लगा सकता है, गाय का गोबर, और उसमें थोड़ी सी चिकनी मिट्टी मिला के उसका लेप कर दें, ताकि ये जख्म जो खुला ना रहे। खुला जख्म होगा तो वूलिया फिर जरूर उस पर अटैक करेगा, कोई दूसरे रोग भी इस पर आ सकते हैं, जैसे कैंकर है वो भी आ जाता है इस पर। तो इस कट को आपने बंद करना है, और उसके बाद अगर जैसे जून है, जुलाई है, जो अनुमोदित कोई दवाई है अगर आपने इस्तेमाल करनी है, आपको लगता है कि ज़्यादा है, तो आप कर सकते हैं। और एक सलाह ये भी होती है कि अगर आपको दिखता है कि इतने बड़े बगीचे में किसी एक या दो पौधों पे ये कीट दिख रहा है, तो आप उन्हीं दो पेड़ों पे कर लें, जरूरी नहीं कि पूरे बगीचे पे करना है, उन्हीं दो पेड़ों पे कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पेड़ों से फिर ये कीट जब पंख की अवस्था में आएगा, जब उसको पंख लगेंगे, तो यहाँ से उड़ के ये दूसरे पेड़ पे जाएगा, किसी और पेड़ पे बैठेगा, वहाँ ये शुरुआत करेगा कॉलोनी बनाने की। तो अगर आप इसी को यहीं स्प्रे करके मैनेज कर लेते हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है सारे बगीचे में स्प्रे करने की। एक बहुत आसान सा तरीका है। जब ये कीट नीचे को जाता है सर्दियों में, जब जड़ों को खाने के लिए, तो हमने एक रिसर्च कर रहे हैं, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए भी हैं और अभी अंडर ट्रायल भी है। इसमें कुछ स्टिकी बैंड आपको मिलेंगे बाजार में, इस तरह के स्टिकी बैंड जो हैं ये चिपकने वाले हैं, इसको आप हाथ लगा के देखेंगे तो ये बिल्कुल चिपकने वाली गूंद है। इस कीट की एक टेंडेंसी है कि ये यहाँ से चल के, इसके क्रॉलर जो हैं वो इस टहनी से होते हुए, यहाँ से होते हुए इसने जड़ को जाना है। अगर आप इसको इसी जगह पे रोक सकते हैं, तो आप जड़ों में जाने वाले सभी एफिड्स को रोक सकते हैं, जड़ों में जो नुकसान होना है, गांठे बननी है, उसको आप बचा सकते हैं। और ये बैंड बहुत इको फ्रेंडली हैं, इसमें कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं है, और इनको लगाने का जो समय है, पहाड़ों में खासकर जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर आप इसको नवंबर के आसपास, या किन्नौर की बात करें तो अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके जो नीचे हिल्स हैं, जैसे शिमला है, या उसके नीचे जो सोलन है, यहाँ पर आप इसको नवंबर की शुरुआत में लगा सकते हैं, जब ये कीट ऊपर से चलना शुरू हो जाता है नीचे को। तो ये आप देखेंगे कि इसके इसके ऊपर जब कीट नीचे नीचे जाना है इसने, तो इसको इस शीट के ऊपर से होके जाना पड़ेगा, जबकि इसमें गूंद लगी है, दैट मीन्स ये इसमें स्टक कर जाएगा, इसमें फंस जाएगा, और आप इस कीट को रोक लेते हैं, वो मर जाएगा और ये जड़ों तक नहीं जाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और इस बैंड जब ये भर जाएगा, अगर एफिड इसमें जा रहे हैं, तो आप इसको हटा के दूसरा लगा सकते हैं। आपको जब लगता है कि ये पूरा बैंड भर गया है, तो आप इसको दूसरा बैंड लगा सकते हैं। वो ये बैंड इतना महंगा भी नहीं है, सारा रोल आता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मार्च की शुरुआत में आपको ये बैंड निकाल देना होता है, इसको निकाल दें, ताकि जो जड़ों में एफिड होंगे वो बाहर आ जाएं, ताकि वो जड़ों में ना रहें वो बाहर आ जाएं, जो पिछले साल के या पिछले किसी समय के या साल में किसी भी टाइम जब एफिड नीचे गया होगा जड़ों में, अगर वो नीचे छुप गए हैं जड़ों में जाके, तो मार्च अप्रैल में वो जरूर ऊपर आएंगे, तो आप उनको ऊपर आने दें, इस बैंड को निकाल दें, उनको ऊपर आने दें, और जब वो ऊपर आ जाएंगे फिर आप एक स्प्रे से उसको मैनेज कर सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं, किन्नौर में अपने शार्बो स्टेशन पे हमने ट्रायल किए थे, तो 3 साल लगातार इस बैंड का इस्तेमाल करने के बाद हमारे को वहाँ पर एफिड की पॉपुलेशन बिल्कुल जीरो मिली थी, और ये बहुत ही अच्छे बैंड है, काफ़ी लोगों में पॉपुलर भी हो रहे हैं, कुछ लोग जिनको जानकारी इसकी हो गई है, वो लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और ये मिलते हैं बाज़ार में, और बाकी कोई डीलर अगर इसको मंगा सकता है तो उनसे भी आप ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और दिखाऊंगा कि यहाँ जड़ों के पास से सकर्स आते हैं। सकर्स बहुत कोमली टहनियाँ होती हैं जो जड़ों से निकलती हैं, उनके अंदर इतना रस चलता है कि वो बुली एफिड के लिए एक बहुत अच्छी साइट का काम करते हैं। वो बुली एफिड हमेशा जाके वहाँ बैठता है, और वहाँ पर वो अगले वर्ष के लिए भी एक इन्फेस्टेशन का एक कारण बनता है। ये देखिए आप ध्यान से, ये छोटी छोटी टहनियाँ जो जड़ों से निकल के आई हैं इस पेड़ के पास से, देखिए किस तरह से सकर्स निकले हैं, और इन सकर्स में कितना बुली एफिड है,
ये बहुत अच्छी साइट प्रोवाइड करता है इस कीट के लिए, इसको खाना देता है इस कीट को, और ये शक्कर हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, ना इनमें कभी फल आता है ना कभी फूल आता है, इनको हमारे को काटना पड़ता है। सबसे अच्छा तरीका इनको कैंची से यहाँ से सबको ट्रिम करना है, काट देना है, इनको रखना नहीं है कभी भी। अगर आप रखेंगे तो इनमें इस तरह का बोली एफिड बहुत ज़्यादा दिखेगा और वो बहुत नुकसान करेगा इस पेड़ को। और अगले जैसे मौसम आएगा अप्रैल मई जून इस तरह का मौसम जब चलेगा अच्छा सा, तो ये सारे कीट यहाँ से चल के दोबारा से इस टहनी से होते हुए फिर यहाँ पर आ जाएंगे और इस तरह से छोटी छोटी सभी टहनियों को, जो कॉम्प्लीट टहनी है जिनमें फल फूल आना है फल लगना है, उन सबको ख़राब करेगा, उसमें आपको कॉलोनी दिखाना शुरू हो जाएगी। और ऐसे पेड़ों में किसान जानते हैं कि ऐसे पेड़ों में बहुत ज़्यादा बुली एफिड होता है जहाँ पर जड़ों में पहले से ही कीट रहता है। जैसे कट एंड्स हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ एक कटा हुआ एक भाग है, इस पर पेस्ट जैसे नहीं लगा था या पहले लगा था, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा बुली एफिड का प्रकोप है इसमें। यहाँ भी ये सर्वाइव करता है क्योंकि ये जगह खाने के लिए बुली एफिड के लिए बहुत अच्छी होती है, यहाँ इनको बहुत रस मिलता है क्योंकि ये रस चूसने वाला कीट है। अगर कीट देखना है आपने तो रुई को थोड़ा सा आप हटा लीजिए और रुई के नीचे आपको कीट मिलेगा बैठा हुआ, और उसको आप थोड़ा सा दबाएंगे तो इस तरह से खून निकलेगा। ये लाल रंग का कीट जो होता है, इसका रंग भी लाल है और इसका खून भी लाल होता है। तो ये जो कटिंग करते हैं लोग बगीचे में, उनके कपड़ों को ख़राब करता है और उससे वो न्यूसेंस क्रिएट होता है, उनको काम करने में दिक्कत आती है। बट नुकसान तो इस कीट का यही है कि ये सेब के उन कॉम्प्लीट यानी को ख़राब कर देता है जहाँ फल कभी या फूल आना होता है, उसको हमारे को रोकना है। मैनेजमेंट हमारे को अगर हम चाहें तो सर्दियों से भी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा तरीका है इसका, जैसे मैंने बैंड्स दिखाए थे आपको, मैं एक बैंड आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ किसानों के लिए कि इस तरह का बैंड अगर आपको मिलता है बाज़ार में या अमेज़ोन से आप देखते हैं, ऐसे एक रोल आएगा, ये चिपकू बैंड है, हाथ में खून लगती है, रेड ग्लू इस पे लगाया होता है इन्होंने। इस बैंड का फ़ायदा ये है, इस पे जो गूंद लगी होती है, जो गम होती है इसके ऊपर, ये पानी से ख़राब कभी नहीं होती। इस पे बारिश आ जाए कभी ख़राब नहीं होगी, बर्फ़ पड़ जाए तब भी ख़राब नहीं होगी ये, लेकिन इस पे मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। अगर इस पे मिट्टी आ जाती है तो इसकी एफिकेसी कम हो जाती है। इसका इस्तेमाल का तरीका यही है कि अगर इस पे मिट्टी लग गई है तो आप इसको दोबारा लगा दें, और जो कीट इस पे क्रॉस होके जाएंगे वो यहाँ फंस जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जड़ों में जाने से रोकिए, कीट को जड़ों में जाने से रोकिए, क्योंकि जड़ों में ही कीट वो सर्वाइव करता है। हर बार अगली बार हर साल हर वर्ष वो दोबारा से आएगा, निकलेगा, फिर दोबारा से टहनी को ख़राब करेगा। और जड़ों में दवाई लगाना बहुत मुश्किल है, जड़ों तक पहुँचती भी नहीं है दवाई, और जहाँ जहाँ कीट को दवाई लगेगी वहाँ तो मर सकता है लेकिन उसके आगे नहीं मरेगा। तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की कोई बैंड इस्तेमाल करें ताकि वो कीट को जाने से नीचे जाने से हम रोक सकें। और मार्च अप्रैल के आसपास जब इस पे पत्ते आ जाते हैं, फूल आने का समय भी होता है, उस टाइम आप सब माइट के लिए स्प्रे करते हैं, लेकिन जब जून का महीना शुरू होता है, जून और जुलाई, उस समय आपको ये कीट दिखना शुरू हो जाता है बगीचे में। तो जो अनुमोदित दवाई अब तक है जो शेड्यूल में है हमारी, या तो आप क्लोरपाइरीफॉस का इस्तेमाल करें, इस तरह का सोल्यूशन बना के आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जब आप इन टहनी को देखते हैं सर्दियों में, आप इनको कटिंग कर दें, प्रूनिंग कर दें, और इन टहनियों को जला दें, जो काटी हुई टहनियाँ होंगी उसको अच्छे से जला दें ताकि वो कीट उसमें जिंदा ना रहे और अगली बार वो नुकसान ना करे। पहले की नर्सरी है, सेब की नर्सरी है, सेब की पौधा आप यहाँ तैयार होते हुए देख रहे हैं। तो मैं किसानों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी किसान किसी भी नर्सरी से पौधे खरीदते हैं तो बुली एफिड नहीं लगा होना चाहिए जड़ों में, क्योंकि इस कीट का प्रकोप नर्सरी में भी होता है और वो जड़ों में बहुत नुकसान करता है, गांठें बनी होती हैं। जब आप इस तरह की पौध आप देखते हैं कहीं नर्सरी में तो उसको ना लें। आपने जब भी लेना है स्वस्थ पौधा लेना है जिसकी जड़ों में कोई गांठ ना बनी हो, जिसकी टहनी पे कहीं यहाँ बुली एफिड का प्रकोप ना दिखे आपको। और कई बार ऐसा होता है कि किसान जो नर्सरी मैन होता है वो पौधा बेचने के लिए बुली एफिड जहाँ अटैक करता है वहाँ लगा होता है, जहाँ वो उसको ढक भी देता है मिट्टी से, तो उसको आप ध्यान दें और बुली एफिड का पता आपको लग जाएगा जब आप इसकी जड़ें देखेंगे, उस पर गांठें बनी होती हैं। अगर आपको इस तरह का पौधा मिलता है तो उसको आप ना लें,
आप हमेशा स्वस्थ पौधा लें ताकि आगे के लिए वो पौधा अच्छी ग्रोथ करे और आपका सब बहुत अच्छा बगीचा इससे बने। आज के समय में जैसे हम केमिकल्स का इस्तेमाल, कीटनाशक का इस्तेमाल करना हम डिस्करेज करते हैं कि नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, वो इसलिए करते हैं कि इन कीट को खाने के लिए बगीचे में मित्र कीट भी होते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मित्र कीट है हमारा, जिसे हम एफलिनस माली के नाम से जानते हैं। और जहाँ वूली एफिड का प्रकोप ज़्यादा होता है वहाँ आपने देखा होगा कि इन वूली एफिड के अंदर उस कीट ने अंडा दिया होता है और उसको इस कीट को खा के वो निकल जाता है। तो वो इतना अच्छा मित्र कीट है हमारा कि 40-50% वूली एफिड की मैनेजमेंट में हेल्प करता है वो। उसमें इतना अच्छा कीट है वो कि अगर आप कम से कम स्प्रे करेंगे तो उस कीट की आप रक्षा भी करेंगे और वो कीट खुद ही कुदरती तरीके से इस कीट की रोकथाम करने में आपकी मदद करेगा। और अगर आपको इस विषय में कोई और बहुत जानकारी लेनी है और अगर आपके बगीचों में ज़्यादा समस्या है वूली एफिड की, तो आप कृपया विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशालय में संपर्क कर सकते हैं, डिपार्टमेंट एंटोमोलॉजी में आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम हमेशा आपकी सर्विस के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।